सो कृष्णा ने ड्रॉप कर दिया द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट हाइप, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सॉन्ग, सुनहरे बाल वाले जलपरी के जापानी जूते। बताइए तो जापान में जाके अपने जापानी जूते पहन के इंडियन गाना गा रहे। वाह वाह कृष्णा भाई, पता है मुझे इसीलिए कहते थे आप। आई नो बाकी अपने डीएचएस में पहली बार नहीं कि भाई रैपर लोग ऐसा लेजेंडरी सॉन्ग्स का एक छोटा सा लाइन लेके उस पर वो खींच जाते। अभी वैसे डिवाइन ने करा हुआ है, डिवाइन ने तो दो गाने करे हुए, सत्या और बाजीगर। बाकी जो बॉलीवुड में जो रिमिक्स चलते हैं वो तो छूतिया पर लगते भाई, कुछ कुछ अच्छे होते हैं बट बाकी सब इतने गंदे होते ना भाई, सुनने को नहीं होता। बट देखते भाई अपने कृष्णा भाई अपने कैसे लिव अप करते इस ट्रेंड पे। तो अपन ज्यादा शोली करते हैं बूम मम्मी लाइक्स का कृष्णा। प्रोडक्शन बाय उमेर। भाई स्टार्टिंग में बाबा जो बीट में जो बिल्डअप होने के बाद वो कार के साउंड के साथ जो ड्रॉप हुआ मेरा जूता जापानी, ओ हो हो हो, दैट वाज सिक भाई। एंड द कार इज लुकिंग सिक भाई। कौन सी कार है? जापानीज कार है बट कौन सी कार है अपने को बताने भाई। उस पर जो लाइटिंग रखे आए हाय हाय, फुल टोक्यो ड्रिफ्टा वनटाओ, मजबूत लग रहा है मजबूत। मतलब ये भाई स्टार्टिंग वाला जो मूवी वाला सीन लग रहा है ऐसे कि इंट्रो वगैरह, और कृष्णा का ऐसा आंखों वाला शॉट था ये, अभी तो मैं पूरी मौज दूंगा पूरे सीन की वैसा वाला सीन। कार इज लुकिंग सेक भाई। कृष्णा भाई यू आर सो लकी भाई कि आपको ऐसी कार चलानी मिल रही है, वो भी जापान जापानीज रेस कार, जापान में जाके जापानी रेस कार चला रहे हो, यू आर सो लकी भाई। सही में भाई मैं तो देखने के लिए हम लोग तरस जाते भाई, उधर जाके चला के आए ले। वाह भाई जलन हो रही है मेरे को इस चीज के लिए कृष्णा आपसे। सुनी मैंने बातें बहुत है, रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे, बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे, असली था तब असली है जज्बाती लौंडे, बाकी कोई साथ नहीं मेरे। ओके आख है ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा। सुनी मैंने बातें बहुत है, रातें काटी पूछे मेरे साथी कौन थे, बातें बाकी लेकिन बाकी मौन थे ना है साथी मेरे को जज्बाती लौंडे, असली था तब असली है अब, असली में फर्जियां भरती है सब, लगे फौज या वर्दी में सब, हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस, हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स, ओ डैम लगे फौज या वर्दी में सब। ए भाई क्या पहने ले भाई पीछे, हां कहां लेके जा रही है इसको भाई, जापानी स्ट्रिप क्लब भाई चा गावा। कृष्णा भाई मैं बोल रहा ना भाई, यू आर टू लकी फॉर दिस, टू क्या बोल रहा है मैं, यू आर टू लकी फॉर दिस भाई, टू लकी जूता तब असली है अब, असली में फर्जियां भरती है सब, गैंग लगे फौज या वर्दी में सब, हैंड ऑन द हीट पहनते गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस, काम पर करना है काम नहीं, कल पहन के घूम रहे थे निकल आ जा रहे हैं डिस पर, ये कोई आसान नहीं, फोन रिंग रिंग डिस्पर वाला बार अच्छा था भाई। इस चीज का तो भाई हर एक लौंडा बोलता भाई डिस्पर वाला बार, डिस्पर वाला बार, डिस्पर नहीं डिस्पर है, आसाम का जो कैपिटल उसको डिस्पर बोलते, तो डिस्पर और डिस्पर डबल कर दिया भाई ने। गर्मी में ग्लव्स चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस, काम पर करना है काम नहीं, कल पहन के घूम रहे थे निकल आ। ये वाला जो लाइन है ना काफी रैपर्स बोल चुके हैं भाई, सबको काम चाहिए, सबको फेम नेम पैसा सब कुछ है बट किसी को काम नहीं करना है। बहुत सारे बाहर के रैपर्स भी बोल चुके हैं, एमिनेम, टूपाक ड्रे, टूपाक बोल रहा हूँ, लिल वेन, और बहुत सारे रैपर्स हैं, टॉम मैकडॉनल्ड्स ने भी चल चीज बोली थी भाई, चाहिए बस इनको आसानियां चाहिए बस, काम पर करना है काम नहीं, कल पहन के घूम रहे थे निकल आ जा रहे हैं डिस पर, ये कोई आसान नहीं, फोन रिंग रिंग बहुत बिजी, टोपी है गुची जैकेट मॉन्क्लेजी, लड़का सिल रहा है मां सिटी पर, मुंबई में जाते दिन नो आगे बिजी, ओके बैक ऑन इट आई एम बैक ऑन इट, मुझे कभी नहीं मिले मेरे एक्यूरेट, ओके एक्यूरेट, यू कैन पुट अ कैप ऑन इट, शी कैन गेट टैप इफ शी डबल टैप ऑन इट, फ्लो पे नाज़ है शी कैन गेट टैप्ड इफ यू डबल टैप ऑन इट, इंस्टाग्राम वाला सीन बताया भाई ने। भाई ने बोले मुझे एक्यूलेट में, एक्यूलेट मतलब वो बोलते हैं ना यू हैव टू गिव हिम हिज फ्लावर्स, अप्रिशिएशन, अप्लॉज या अप्रिशिएशन बेसिकली, वो मुझे कभी नहीं मिला। नहीं भाई आपको कितने अप्रिशिएशन मिलता और कितना चाहिए आपको, हाँ
BMW 5 सीरीज लिया है ना आपने, कितना कितना एकोलेड चाहिए आपको? आपको लेड और ला के दे लेड। मुंबई में जाते दिन नो आ गए बिजी बैक ऑन इट आई एम बैक ऑन इट मुझे कभी नहीं मिले मेरे एकोलेड एम रहे एक्यूरेट यू कैन पुट अ कैप ऑन इट शी कैन गेट टैप इफ शी डबल टैप ऑन इट फ्लो पे नाज है धोखे बाज है लोग वो इलाज जो फैलाते रोग रोते आज जब खोते आज नोट हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जापानी ये पतलून अरमानी से आज तो भी गुची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी यो जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज तो भी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी। भाई ये जो उमेर ने जो राइजर्स डाले ना भाई ड्रॉप के पहले, दैट इज सिक भाई, ओ माय गॉड। कौन बोला है मिड गाना है बंटा? हाँ हुक हुक एक्चुअली क्या है ना, जो 12 बजे सुन लेते ना, 12 बजे तुम्हारा दिमाग है ना एक तो स्लीप मोड में होता है, स्लीप मोड में तुम लोग 12 बजे सुनोगे तो उसमें क्या ही समझ में आएगा तुमको ट्रैक। एक्चुअली रैपर्स लोग को ना ट्रेंड जरा बंद कर देना चाहिए कि 12 बजे तक फ्रेश माइंड होता है ना, तब चीज़ आप फ्रेशली ग्रैप कर पाते हो। रात को सोने के टाइम भाई ऐसे उसमें क्या ग्रैप करेगा भाई, आधा तो नींद में होता है अपन लोग। बंद कर दो भाई ये 12 बजे वाला, मुझे भी नहीं पसंद। कौन जागता बैठेगा भाई 12 बजे 1-1 बजे तक? मैं तो भाई 12 बजे बार के 11:30 के पहले सो जाता हूँ। नींद सबसे पहली चीज़ है भाई अपने लिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट, नींद और भूख, इन दोनों चीज़ों को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, सबसे ऊपर। Back on it, I'm back on it. मुझे कभी नहीं मिले मेरे accolade. Aim रहे accurate. You can put a cap on it. She can get tap. If she double tap on it, flow पे नाज़ है धोखे बाज़ है लोग दे वो इलाज जो फैलाते रोग रोते आज जब खोते आज नोट हिंदुस्तानी दिल जो पहना दे वो जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा दिल है हिंदुस्तानी बोल देते और ज़्यादा अच्छा लगता है भाई। हाँ आई नो कि वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते बट ये चीज़ मिस लग रही है, दिल है हिंदुस्तानी। वो बीच में भाई ने खा लिया ना वो दिल हिंदुस्तानी, वहाँ पर वो गैप ऐसा लग रहा है, वो सुनने के लिए ऐसा लगता ही है, बट ठीक है इट एक्सेप्टेबल। दिल हिंदुस्तानी मेरा जूता जापानी ये पतलून अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा दोस्तान तेरे चैन का कतल मुझे रहना सफल ये मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे गहरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे ज़हन का कतल बेटा श्रीनगर जैसे श्रीनगर जैसे गहरा है दल लेख बहता है जल जैसे ज़हन का कतल बेटा ज़हन का कतल वहाँ का ना एक 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 ब्रिज है, वो वहाँ पर एक रिवर है श्रीनगर के और उसके कश्मीर के बॉर्डर पर शायद एक रिवर है, झेलम रिवर है, तो झेलम रिवर से वो ब्रिज जाती है, तो बेसिकली वो कश्मीर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को शायद एक तरह से मिलाती है। वो बेसिकली एक ट्रेड रूट है, वो जो कश्मीर के जो वर्कर्स है ना तो यहाँ पर आके अपना काम बेचते हैं, तो वो एक ट्रेड रूट है, तो ज़हन का कतल वहाँ पर थोड़ा सा फेमस है वो चीज़ है, जो वहाँ पर रहता है उनको वो पता है, मैं तो बस ऐसे जनरल नॉलेज वाली चीज़ बता रहा हूँ। फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा दोस्तान तेरे चैन का कतल मुझे रहना सफल ये मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे घेरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे ज़हन का कतल बेटा नो एक्टर कैन बिना कैप्चर कम जो मिस्टेक वर्ड जाके मीट द ट्रैक बॉल टू पैटर्न इन का बैक वर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर्ड मुझे मिल गया क्या ऑलवेज न्यू क्रिश द ट्रैक बॉल देखा पैटर्न इन का बैक वर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर्ड अच्छा यूलेट पैकर्ड का आया बड़े बैकवर्ड्स से पैकर्ड भाई ने ये भी बोला कि मैं जब स्टैक करता हूँ वर्ड्स तभी ट्रैक एकदम बर्न एकदम फायर ट्रैक होता है तो उसके लिए शायद ये बैकवर्ड वाला ना राइमिंग के लिए रखा रहेगा बट डज दिस मेक सेंस डज इट यूलेट पैकर्ड वाला समझ में आ गया मेरे को अरमानी सर पे आज टोपी गुची फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा दोस्तान तेरे चैन का कतल मुझे रहना सफल ये मेहनत का फल बेटा श्रीनगर जैसे घेरा है दल फ्लो बहता है जल जैसे ज़हन का कतल बेटा नो एक्टर कैंप पे ना कैप्चर करूं नो एक्टर कैंपेन कैप्चर है कि कैप पे ना कैप्चर्ड है कैप एक सेकेंड तो भाई ने तो लिरिक्स दिए ले कैप पे ना कैप्चर्ड अच्छा ऐसा है कैप पे मतलब मैं झूठ बोलता है कि मैं पकड़ा नहीं गया तो मैं एक्टर नहीं हूँ ऐसे तो ऐसे कुछ है दल फ्लो बहता है जल जैसे ज़हन का कतल बेटा नो एक्टर कैंप पे ना कैप्चर करूं जब मैं स्टैक वर्ड जाके मीट द ट्रैक बॉल जब देखा पैटर्न इन का बैक वर्ड ऑलवेज न्यू क्रिश हु लिट जैसे पैकर्ड से मिल गया अचानक सारे चिल थे या बागी चूहे बिल में हैरानी होती स्किल पे यो दैट कार्बन फाइबर डिस हु लिट जैसे पैकर्ड मुझसे मिल गया अचानक सारे चिल थे या बागी स्पॉइलर द डिस बोल रहा स्पॉइलर GT एडवांस रेसिंग ब्रो दैट्स सिक बाय गाइस सिक लग रहा है रिम्स आई एम सॉरी भाई मैं बहुत ज्यादा पॉज कर रहा हूं बट दिस वीडियो इज टू मच अट्रैक्टिव फॉर
यू नो कार एंड बाइक एंथुजियास्ट लाइक अस। रुको रुको रुको, ये फ्रेम देखो है भाई, क्या मस्त कलरफुल। अभी कलर कितना किया नहीं है, बट ये लो क्वालिटी क्यों लग रहा है, डोंट नो फॉर सम रीजंस, पता नहीं शायद भाई ने इफेक्ट डाला, फिल्टर डाला, बट लुक एट दिस फ्रेम भाई, कितना ब्राइट है, कितना क्लियर क्लियर अक्षर है, भले अपनों को समझ में नहीं आ रहा है बट कितना ब्राइट फ्रेम है, कितना अच्छा फ्रेम है। रेस कार भाई का लुक, सुनहरे बाल वहाँ के लोगों के साथ जेल करने के लिए किया, बट पता नहीं क्यों किया, बट कर दिया तो कर दिया, बट दिस फ्रेम्स लुक परफेक्ट भाई। वो बंदा उस लाइफ को उधर है ना प्रेजेंस में जी रहा था, तो भाई क्या क्या ही फील होता रहेगा ना भाई को, अपने को भी जाने क्या भाई ऐसे जगह। राजकुमार ईरानी का नेम ड्रॉप, देखे कितने जो आए मुझसे भिड़ने बना रही मेरे फिल्म में हीरानी लोग मुश्किल से, दिखाता वादे नहीं करता, इन हाथों में ताकत है बातें नहीं करता, ये करते इबादत में आदर नहीं करता, वो करता शरारत पर नारद नहीं लगता, वो करते शरारत पर नारद नहीं लगते ना, नारद मुनि जो काफी नॉटी थे भाई, बोलते हाथों में ताकत इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करता ना, इंटरव्यूज पे ज़्यादा बातें नहीं करते भाई, जो लिखते हैं वो सीधा हाथ कलम पेपर स्पिट। लाना रोज की बात हो रही है या लाना रोज की बात हो रही है, अपन को दोनों पता है, बट भाई द कटाना इज लुकिंग सिक भाई, डैम ब्रो, भाई का क्या एक्सप्रेशन है ये, इमेजिन वॉच, इमेजिन कृष्णा लुकिंग एट यू लाइक दिस, क्या फील करोगे आप? मैं तो बहुत भीड़ फिर गया, मैं भाग जाएगा वन टाइम वहां से। ये वेपन दे नो हाउ आई किक इट कज आई एम टेकिंग गॉट डेल ऑन माय बैक लाइक लाना आई एम रैपिंग हानिकारक बार, ऐसे नहीं लग रहा सामने एमवी पे बैठा है। भाई जापानी लड़के के साथ नाच रहे ले वटाओ, वो GTR स्काईलाइन, माय गॉड दैट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट कार्स भाई, ये बाजू वाला सुपर था, आई डोंट नो, बट वीडियो इज सिक भाई, सिक भाई। कौन बोल रहा था मिड गाना भाई, बहुत सारे हिप हॉप पेजेस को मैंने बोलते हुए सुना है, अपने भाई लोग को भी बोलते हुए सुना भाई, मिड ट्रैक है, मजा नहीं आया इतना, बट भाई तुम अगर प्रॉपरली ऐसा इन्वॉल्व होके सुनो ना उस गाने को वीडियो के साथ, भाई मजा आ गया, मेरे को तो मजा आ गया यार। बाकी द वीडियो वाज सिक भाई, जापान जाके ऐसा वीडियो शूट करना, कहाँ कहाँ नहीं गए, स्ट्रिप क्लब, वो पता नहीं वो कौन सी लौंडी आती जापानी वाली, उसको हाथ पकड़ पकड़ के स्ट्रिप क्लब लेके गई, दूसरे लौंडियों से मिलवाए, वाह भाई सही, ऐसी लौंडी सबको मिले तो दूसरे लौंडियों से मिलवाए, बट भाई ने स्काईलाइन GTR पता नहीं कौन सी वाली गाड़ी थी, वो रेस कार चलाई वहाँ पे, भाई मेरे को तो देख के ही इतना जलन महसूस हो रही थी, भाई मैं क्यों नहीं वहाँ पे जाएंगे, अपन भी जाएंगे, जाएंगे जरूर जाएंगे। हाँ ये पता लगे कि जब कृष्णा ने फोटो डाला था तो तभी उतना लुक उन पे सूट नहीं कर रहा था, बट वीडियो के हिसाब से लुक उन पे बहुत अच्छा जा रहा है, उनका ड्रेसिंग, उनका कैमरा प्रेजेंस बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, वैसे भी वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट या काफ़ी कंजर्वेटिव पर्सन है, बट वीडियो में ऐसे माहौल में नो जो जापानीज जो क्लब्स होते हैं प्रॉपर वैसे माहौल में इतना फ्री होके मतलब कैमरा प्रेजेंस के सामने ऐसा जो भी एक्शन है वो करना काफी अच्छा लग रहा है मुझे देख के कृष्णा भाई को। बाकी हुक का आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जेनेरिक साउंडिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो जो जूता है जापानी उसका जो वो लाइन ही वैसा है, तो अगर आपको उससे रेजोनेट करना है, रिडेंशन टाइप एक म्यूजिक बनाना है तो आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, बट ये वाला हुक है ना रील्स पे बहुत ज्यादा चलेगा भाई, रील्स जो बनाते हैं जो ऐसे जो कैमरे के सामने ऐसा मुजरा करते रहते उन लोग के लिए ये वाला चीज़ ठीक है भाई, है ना ट्रांजिशन रील बना सकते हैं, जूता जापानी वैसा वैसा कुछ तो बना सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए भाई कृष्णा भाई ने शायद जेनरिक रखा है। बाकी तो वर्सेस मतलब एक प्रार्थना, प्रार्थना का भी बीट कुछ ऐसी है, उसका भी वर्स कुछ ऐसी है, सेम फ्लो है, मतलब काइंड ऑफ सेम फ्लो है, एग्जैक्टली सेम नहीं, बट मेरे को प्रार्थना से काफ़ी ज़्यादा है ना रेजोनेंस करता हुआ लगा ये ट्रैक। बाकी बोल सकते कि बार्स वर नाइस बट नॉट दैट इम्पैक्टफुल, जो कृष्णा से अपन को ऑलरेडी मिले हुए इतने इम्पैक्टफुल दिमाग खराब कर देने वाले बार्स वैसा वाला नहीं था, बट द यूलेट पैकेट वाला अच्छा था, वो क्रिश हुलेट
किसी को समझ में आए तो मुझे प्लीज बता देना भाई, कृष्णा क्रिश समझ में आया, बट हुल इट वो ऐसा क्यों बोला है मुझे नहीं पता। पैकर्ड का भी रेफरेंस कुछ और ही होता है, मतलब ये तो या तो पैकर भी हो सकता है या तो पेडलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अगर किसी को एग्जैक्ट या कुछ इंटरप्रिटेशन समझ में आया तो मुझे प्लीज बता दो भाई कमेंट में। बाकी ये दोनों के अलावा तो बार्स तो शायद जेनेरिक ही थे आई गेस, उतने भी जो हार्ड बार्स तो नहीं थे, बट ठीक थे, अच्छे थे भाई, मुझे तो अच्छा लगा ऐसा, मुझे वाइब अच्छी लगी। वीडियो के साथ अगर देखूंगा ना तो मुझे वाइब आएगी, अगर मैं सिर्फ ऑडियो सुनूंगा तो मुझे ऑब्वियसली भाई वो वीडियो करी लगनी है, जो कि बहुतों ने सुन के है ना रिव्यू दिया है अपना पहला। नेवरतेलेस मुझे आप लोग जरूर कमेंट कर बताना कि आपको कैसा लगा है पूरा गाना, वीडियो इज अ डब्ल्यू और एन एल, बाकी गाने और कृष्णा भाई के वर्सेस के बारे में क्या थॉट्स है वो भी मुझे जरूर बताना भाई। चलो मेरे को मिलता है ऐसे किसी वीडियो में, तो खुश रहो मुझे करो जाना, साइनिंग ऑफ, पीस।